हाय फ्रेंड्स, आज आपको लेके जाएंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट दागस्तान के पास आइस केव्स। ये दुनिया की सबसे बिगेस्ट अंडरग्राउंड आइस केव स्ट्रक्चर्स में से है। हालस्टाट, जो कि ऑस्ट्रियन अल्पाइन इलाके में आता है, वियना से 3 साढ़े 3 घंटे की दूरी पे है। बेहद ही मनोरम स्थल, और ये जो आइस केव्स हैं अद्भुत, अकल्पनीय। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इसके इनसाइड का टूर दूंगा। Dachstein giant ice cave. So we're gonna go inside. We are already there. Papa, can you stay there and look at the time? Time is 5 minutes now. Gonna go inside the cave very soon. आने जाने से पहले सब लोगों ने जो है गर्म कपड़े पहन लिए। मैंने भी स्वेटशर्ट डाल दी है, होपफुली दैट विल बी इनफ। बाकी लोगों को देख रहा हूँ काफ़ी गर्म कपड़े पहने, सो Hopefully, I'm not taking prepared myself. What's coming in? आपको बताता हूँ कि इन केव्स की फॉर्मेशन होती कैसे है। तो केव्स की एक एंट्रेंस है और एक एग्जिट है। विंटर टाइम्स में जो ऊपर वाला डोर है ये वो खुल के रखते हैं, तो जब स्नोफॉल होता है तो सारी हवा से बर्फ़ अंदर आती रहती है, और जैसे समर सीज़न शुरू होता है, रेन शुरू होते हैं, तो वहाँ से जो है रेन आके जो है उसको स्नो को जो है आइस में तब्दील कर देती है। अंदर किसी भी एनिमल और फाउना की जो है पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो है। बहुत साल पहले यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते थे, पर अब थोड़े से ब्लाइंड इंसेक्ट्स वगैरह हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई एनिमल्स नहीं है। बर्फ़ को जो यहाँ पे स्कल्पचर्स बने हुए हैं उसको लाइट एंड साउंड से काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है, और हर साल ये डेस्टिनेशन जो है लाखों टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका शुमार होता है। A waterfall inside the cave. डार्कस्टाइन की जायंट आइस केव का टूर 1 घंटे का है। अंदर ठंड काफ़ी होती है, जैसे मैंने पहले बोला थक भी सकते हैं, 500 स्टेप चलने हैं, लेकिन बेहद ही खूबसूरत टूर है और लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। जिस तरह से अंदर मेंटेनेंस है, उसका तामझाम बनाया गया है, वो काबिले गौर है। ऑस्ट्रिया इन अ कंट्री, इट्स इन इट सेल्फ इज़ वेरी वेल मैनेज कंट्री। बाकी कंट्रीज़ को भी यहाँ के गवर्नेंस से काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। और स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर करूँ तो इक्वली ब्यूटीफुल है, बट लेस एक्सपेंसिव है। आगे भी ऑस्ट्रिया के बारे में बात होगी। अगर आप कुछ और ऑस्ट्रिया के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। इस जगह के बारे में और जानना चाहते होंगे तो बिल्कुल बताइएगा। थोड़ा यहाँ का सिनेमेटिक व्यू इन्जॉय करें बाकी।